स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इसराइल ने हमास के मिलिट्री विंग के टॉप कमांडर मोहम्मद दाइफ को भी मौत के घाट उतार दिया है। दाइफ के बाद नेतन्याहू की हिट लिस्ट में टॉप पर अब कौन आ गया है, स्पेशल रिपोर्ट में आइए वही दिखाते हैं आपको। इस्माइल हानिया को मिसाइल से उड़ाया, मोहम्मद दाइफ को रॉकेट से दफनाया, नेतन्याहू की हिट लिस्ट टॉप पर खालिद मेशाल, हमास में आंसू बहाने वाला भी नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू। खून से सनी गाजा की गलियां, वीरान खंडहर बना रफा, यहां कदम कदम पर मौत खड़ी है। इसराइल के दुश्मन जहां भी हैं वहां उनकी कब्र खोद रही है, वो फिर चाहे ईरान हो, लेबनान हो, यमन हो या खाड़ी का कोई मुल्क। इसराइल के दुश्मन कहीं सलामत नहीं। इसराइल पहले दुश्मन को मारता है, दुश्मन की मौत की तस्दीक करता है और फिर पूरी दुनिया को दुश्मन के खात्मे की इत्तला देता है। हमास की मिलिट्री विंग के कमांडर के सफाए के 19 दिन बाद इसराइल ने गाजा का लादेन कहे जाने वाले मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि कर दी। यानी 2 दिन के भीतर इसराइल ने हमास के 2 बड़े और खूंखार लीडरों का सफाया कर डाला है। इसराइल के लिए मोहम्मद दाइफ की मौत इस्माइल हानिया से भी ज्यादा मायने रखती है। मायने इसलिए क्योंकि मोहम्मद दाइफ 7 बार पहले भी मौत को चकमा दे चुका है। इसलिए इसराइल ने उसके मौत के कई दिनों तक तफ्तीश की, हर एक बात की जांच की। आखिर में दाइफ के द एंड को कंफर्म किया गया, लेकिन जैसी मौत उसे दी गई वो हमास के होश उड़ाने वाली है। 13 जुलाई के खौफनाक हमले की डिटेल देखिए। तारीख 13 जुलाई 2024, जगह खान यूनुस, गाजा। खान यूनुस के अल मवासी शरणार्थी शिविर के करीब इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था। जमीन पर सेना की पलटन बारूद बरसा रही थी तो आसमान से रॉकेट की बौछार की जा रही थी। आईडीएफ के ऑपरेशन में 90 से ज्यादा लोग ढेर हो गए। बमबारी से कई मकान खंडहर बन गए। यह हमला हमास के मिलिट्री चीफ और उसके सहयोगी रफा सलमा को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन आईडीएफ को अंदाजा भी नहीं था कि खान यूनुस में उनका टारगेट नंबर 1 मिल जाएगा। इसराइल का मोस्ट वांटेड मोहम्मद दाइफ जिस जगह अड्डा जमाकर बैठा था उस पूरी इमारत को रॉकेट धमाके से उड़ा दिया गया। 13 जुलाई को इसराइल ने खान यूनुस के अल मवासी में जंगी जेट से एयर स्ट्राइक की थी। मोहम्मद दाइफ को मारने के लिए 2000 किलोग्राम के 8 बमों से हमला किया गया, जिसके धमाके से अल मवासी के कई मकान जमींदोज हो गए। हालांकि दाइफ मरा या नहीं यह कंफर्म नहीं हो रहा था। 13 जुलाई को इसराइल के हमले को हमास ने नागरिकों का नरसंहार करार दिया, लेकिन दाइफ की मौत की बात पछा गया, जबकि इसराइल ने दावा किया कि दाइफ की मौत की जानकारी सबसे पहले हमास और हिजबुल्ला को लगी थी। लेकिन लड़ाकों का हौसला ना टूटे इसलिए टॉप कमांडर की मौत को राज बनाए रखा गया। एक आंख वाले दाइफ का रुतबा क्या था, इसे इसराइल में उसे दिए गए नाम से समझा जा सकता है। इसराइल में मोहम्मद दाइफ द मैन ऑफ डेथ, द फाइटर विथ 9 लाइव्स के नाम से कुख्यात था। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए सबसे भीषण हमले का मास्टरमाइंड दाइफ ही बताया जाता है। दाइफ का आतंक इसराइल में इस कदर इसलिए था क्योंकि वो हमास के टेरर टनल रणनीति का भी मुखिया था, जबकि मोहम्मद दाइफ व्हीलचेयर पर रहते हुए सारे ऑपरेशन अंजाम दे रहा था, क्योंकि हमास लड़ाकों के इस सरगना की एक आंख नहीं, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, गाजा की सुरंगों में रहता था, व्हीलचेयर से चलता था।
इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इसराइल ने अमेरिका की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। वहीं अमेरिका ने कहा कि उसका इस्माइल हानिया की हत्या में कोई भूमिका नहीं है। इधर इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इसराइल और अमेरिका को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इस बैठक में ईरान ने जोर देकर आरोप लगाया कि अमेरिका के सपोर्ट और खुफिया इनपुट के बिना इस्माइल हानिया का कत्ल नहीं हो सकता। अमेरिका ने ईरान के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या की जानकारी अमेरिका को नहीं थी और ना ही वो इसमें शामिल है। अमेरिका ने यूएनएससी से ईरान पर दबाव बनाने की अपील की ताकि इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ने से रोका जा सके। इस बैठक में अमेरिका ने खुलकर इसराइल का समर्थन किया और कहा कि इसराइल को हिजबुल्ला, हूथी और हमास जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। वहीं बैठक में शामिल फिलिस्तीन इसराइल पर बरस पड़ा और कहा कि इसराइल के पास सिर्फ एक चीज है, हिंसा और आतंक। इसराइल ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में ये साफ साफ कह दिया कि उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिका ने खुलकर इसराइल के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। Commitment to Israel's security and defending them from malign attacks like those from reckless regimes like the Iranian regime, that is unwavering and ironclad, and that continues to be the case. मतलब साफ है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला करने की भूल की तो उसे दो ताकतवर मुल्क इसराइल और अमेरिका का एक साथ सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार नहीं है, तो सुनिए अमेरिका ने क्या जवाब दिया। Is a regime that time and time again since 1979 has one been the largest and greatest exporter of terrorism, not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from Iran, but also taking appropriate action from the United States. मामला गरम है और दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में सवाल ये कि अगर युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। ईरान के पास एक बड़ी नौसेना, अधिक टैंक, बख्तर बंद वाहन और ईंधन तक अधिक पहुंच है, लेकिन जैसे ही बात प्रशिक्षण और अपडेटेड तकनीक की आती है तो इसराइल टॉप पर है। पैसे के मामले में भी इसराइल ईरान पर भारी पड़ता दिखता है। ईरान की जीडीपी 413 बिलियन है जबकि इसराइल की जीडीपी 539 बिलियन डॉलर है। ईरान का सैन्य बजट 10 बिलियन डॉलर है जबकि इसराइल का सैन्य बजट 22.4 बिलियन है, जो लगभग ढाई गुना अधिक है। इसराइल के पास सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की है। इसराइल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन है। अमेरिका इसराइल को 3.8 बिलियन डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता देता है। इससे इसराइल को अपनी सेना को मॉडर्न बनाने की ताकत मिलती है। माना जाता है कि इसराइल के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमले शुरू करने की क्षमता है। हालांकि इसराइल ने कभी भी खुले तौर पर अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है, इसलिए अगर बात युद्ध तक पहुंचती है तो अभी तक इसराइल का पलड़ा ही भारी साबित होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र के सतारा में मेडिकल की एक छात्रा की चौथी मंजिल से फेंक कर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का आरोपी उसी के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोप है कि किसी और से अफेयर के शक में बॉयफ्रेंड ने मेडिकल छात्रा की छत से फेंक कर हत्या कर दी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आरुषि सिंह की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ध्रुव को शक था कि उसका अफेयर कहीं और है। बस इसी शक ने मेडिकल के एक छात्रा की जान ले ली और मेडिकल के छात्र को हत्यारा बना दिया। आरुषि मिश्रा की मौत को लेकर सातारा पुलिस आरुषि मिश्रा और ध्रुव के बीच किस बात को लेकर विवाद था, उस विवाद की वजह को तलाशने की कोशिश कर रही है। सातारा पुलिस ये भी जांच करने में जुटी हुई है, क्या वाकई महज शक की बिना पर ध्रुव ने यह कदम उठाया था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। आरोप है कि आरुषि से नाराज ध्रुव ने उसे बात करने के बहाने एक घर की चौथी मंजिल पर बुलाया
और फिर उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही आरुषि को भयानक चोटें आईं और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। उस लड़के को कुछ कारणों की वजह से इनके आपस में झगड़े होने लगे और ये जो लड़का है इसने जो डिसीज्ड है इनको थर्ड फ्लोर से इन्होंने ढकेल दिया जिससे इनकी मौत हो गई। और इसमें हमने मर्डर के चार्जेस 103 बीएनएस के अंतर्गत हमने इसमें मामला दाखिल किया है। आरुषि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी जबकि आरोपी ध्रुव हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। दोनों महाराष्ट्र के सतारा जिले में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इससे पहले आरुषि और ध्रुव दिल्ली में साथ साथ पढ़ते थे। आरोप है कि किसी और से अफेयर का शक होने के बाद ध्रुव ने आरुषि को अपने किराए के घर की छत पर बुलाया। वहां दोनों में बहस शुरू हुई जो हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि इसी दौरान ध्रुव ने आरुषि को छत से धक्का दे दिया। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया है कि लोकसभा में चक्रव्यूह वाले उनके भाषण के बाद ईडी उनके यहां छापा डालने की तैयारी कर रही है। राहुल ने 29 जुलाई को अपने भाषण में चक्रव्यूह का जिक्र किया था। राहुल का दावा है कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि एक रेड की तैयारी हो रही है जिसका कि वो बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। और राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने चक्रव्यूह की चर्चा करते हुए महाभारत के शकुनी की याद दिलाई तो वहीं गिरिराज सिंह ने राहुल से पूछा कि यह जानकारी उन्हें कहां से मिली। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। उपसभापति जी हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। और मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं, बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए, शकुनी चौपर चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी इन तैसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपर में तो धोखे से ही हराया गया था, और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सिदाम्यम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभी युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया, ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि वो
इस बात को पचा नहीं पा रहे कि एक कुशल प्रशासक, विश्व के अंदर प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जनता के मैंडेट से प्रधानमंत्री बने हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की है, तो उनको अपने भ्रष्टाचार के किए हुए मामलों पर लगता है आभास हुआ होगा। अगर ऐसा होने वाला है तो उन्होंने उसको व्यक्त किया है, अपने डर को व्यक्त किया। भाजपा के डीएनए में तानाशाही देख रहा था उस दिन, इतना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण, दो बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए डिस्टर्ब करने, दो बार गृहमंत्री जी और फिर दो बार राजनाथ जी, जो बची खुती चुनाव में इज्जत थी भाजपा की 303 से 240 पे आ गई, इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। उत्तराखंड के केदारनाथ में पैदल मार्ग पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद कई पैदल यात्री प्रभावित हुए, कई पैदल रास्ते तबाह हो चुके हैं। इस दौरान कई तीर्थ यात्री भी फंस गए जिनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप अलग अलग देख सकते हैं, 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गुरुवार से अब तक करीब 6,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू अभियान के दौरान आज हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई, आज लिंचोली से रेस्क्यू अभियान चलाया गया, शुरू किया गया। साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में SDRF के साथ ही NDRF की टीमें भी जुटी हुई हैं। इस आपदा के बीच न्यूज 18 की टीम भी उस स्थान पर पहुंची जहां बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, तो बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की भी खबर आई है। इस रिपोर्ट में आइए देखते हैं। हिमाचल में बारिश का विस्फोट, कुल्लू में फटा बादल, बम मंडी में तबाही, लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राही। आसमानी तबाही पहाड़ पर फिरा, बादलों की दहाड़ मुसीबत में बहा, कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशाल काय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये व्यक्ति रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ले लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम यह हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है के सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं।
सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाए। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि ना तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और ना ही ज़्यादा अपने घरों से निकलें। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए महारो राजस्थान।